जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक द्रोन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा जो कि हाल ही में जो कि संबल पोर्टल में जो कि संबल कार्ड बनाने की प्रक्रिया को लाइव कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो कि संबल कार्ड का पंजीयन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो कि क्या प्रोसेस है। इसके लिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन लैपटॉप पीसी के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पे टाइप करना है जो कि संबल पोर्टल। जैसे आप टाइप कर एंटर करेंगे, आप देखेंगे जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पेज है वह ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे जो कि संबल पोर्टल, जन कल्याण पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे जो कि संबल कार्ड का जो कि पोर्टल है वह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, जो कि पंजीयन करने के लिए आपको यहाँ पे पंजीयन हेतु आवेदन करें संबल 2.0 यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे जो कि संबल 2.0 श्रम विभाग का जो कि यह पोर्टल है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, जो कि आपको पंजीयन करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी समग्र आईडी एवं परिवार आईडी को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे दी कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे दोस्तों, जो कि समग्र खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पॉपअप आएगा। यदि आपके समग्र आईडी पे आपका आधार कार्ड ईकेवाईसी है तो यह आपको नहीं दिखाई देगा, आपको डायरेक्टली जो कि पंजीयन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपके समग्र आईडी पे जो कि ईकेवाईसी नहीं है तो आपको यहाँ पे जो कि ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे जो कि समग्र पोर्टल पर ईकेवाईसी का जो कि है ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे जो कि आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपके सामने दिख रहे जो कि कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे दोस्तों, जो कि सदस्य की जानकारी देखे एवं दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे जो कि आपके समग्र से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन वह ओपन हो जाएगी और यहां पे दोस्तों, जो कि आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहां पे फिल करना है और आपके सामने दिख रहे जो कि कैप्चा कोड को यहां पे फिल करके प्रमाणित करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पेज है वह ओपन होगा। यहां पे दोस्तों, आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहां पे फिल करना है और आपके सामने यहां पे दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे जो कि ईकेवाईसी के। यदि आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से ईकेवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यदि आप ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने दिख रहे जो कि कैप्चा कोड को फिल करना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आएगा यहाँ पे आपको फिल करना है और आपके सामने दिख रहे जो कि कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके आवेदक के आधार नंबर को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहां पे दोस्तों, जो कि आपको ईकेवाईसी करने के लिए आपको यहां पे टिक मार्क पे क्लिक करना है और आपके सामने दिख रहा है जो कि कैप्चा कोड यहां पे आपको फिल करके और अपडेट योर नेम जेंडर ईकेवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने यहाँ पे जो कि ईकेवाईसी सेक्शन का जो कि यह पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों, जो कि संबल कार्ड का पंजीयन करने के लिए आपको यहाँ पे जो कि ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो कि श्रमिक की सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों, जो कि संबल कार्ड का जो कि पंजीयन करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो कि श्रमिक के प्रकार में आप अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे जो कि नियोजन के प्रकार में आप अपनी सुविधा अनुसार जो कि सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप कार्य करते हैं आप अपने ऑक्यूपेशन स्किल के अनुसार जो कि अपना यहां पे नियोजन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पे नीचे आना है और यहां पे जो कि सेलेक्ट करना है कि आप इस कार्य में कितने दिवस कार्य दिवस जो कि कार्य किए हैं। तो यहाँ पे आपको दिनों की संख्या को यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आप देखेंगे क्या आप व्हाट्सएप पर आप अपनी सूचना जो कि प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर को जो भी एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो कि क्या आप आयकर दाता हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप आयकर दाता हैं तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो कि मेरे अथवा मेरे पिता के नाम पर एक हेक्टेयर से जो कि अधिक भूमि है तो यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक करना है और यदि नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे
क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन को जो कि रीड करके यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कि आवेदन को सुरक्षित करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे देखेंगे जो कि आपका आवेदन है वह पूर्ण रूप से जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा और यहां पे जो कि पॉपअप आ जाएगा। यहां पे तो अपने आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपको यहां पे आवेदन की स्थिति चेक करें पे क्लिक करके आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कि संबंधित अधिकारी के द्वारा जल्द ही जो कि आपके आवेदन का जो कि भौतिक सत्यापन करके जल्द ही जो कि आपको पात्र घोषित कर जो कि संबल कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो कि घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से जो कि आप अपने संबल कार्ड का जो कि पंजीयन कर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।